from last 2 years. I am traveling Canada and I have shared most of the moments with you. But on this trip, I have learned the biggest travel trip which I could ever share with you. It doesn't matter where you are going, it's who you have beside you. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग. सो टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे क्योंकि ये एक भाई का आज बर्थडे है और आज सोनू अंकल 6.5 साल बाद इंडिया जा रहे हैं. सोनू अंकल इसके पापा हैं. सो वी आर इन क्यूबेक सिटी टुडे और आज हम यहाँ से जा रहे हैं रिवर दी लूप. वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम आर होटल और रिवर दी लूप जाके देखते भैया कैसा टाउन है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ करने को है. सो आइए हमारे साथ इस गाइज़ अभी अब हम आए हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन रिवर दी लूप में और मेरे पीछे एक वाटरफॉल है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक वाटरफॉल है और देर से फ़ोटो खिंचाने की जगह है. नथिंग, नो एक्टिविटीज, नथिंग, जस्ट सिंपल वाटरफॉल. तो अभी हमने कॉल किया था यहाँ के टूरिज़म डिपार्टमेंट में तो उन्होंने बोला कि इस साल सारी क्रूजेज बंद है जो वेल वॉचिंग वाली होती है. बट फिर भी अभी हम पोर्ट जा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे हमें कोई बोट वगैरह हायर करने को मिल जाए और वहीं पे हम थोड़ा एंजॉय कर लें. दोस्तों ये है लूप का पोर्ट. सही बात है, निकालेंगे कैसे? मुझे लगता है यहाँ पानी निकल गया और ये यहाँ फंस गई है, अब निकलेगी नहीं जब तक पानी नहीं आता. राजन चेक तो कर, गहरा है नहीं है. चार्ज होती है, यहीं पे पानी चेंज होता है. भाई मेन चीज तो होटल है. ये देखो होटल का मैप देख, ये है हमें यहाँ पे इस टाइम पे और यहाँ पे हम इधर जाके गाड़ी पार्क करेंगे. ये हमारा रूम होगा, ठीक है. ये बार है यहाँ पे जो खुला होगा रात तक और ये पूल हॉट वाटर टब है यहाँ पे और जिम है जो 10 बजे तक खुला होगा. ये है होटल. Guys, we literally have nothing to do except staying in the hotel या फिर पूल में जाना. तो अभी अभी हमने साइकिल ले ली एंड वी आर गोइंग ऑन अ बाइक राइड क्योंकि यहाँ पे पास में एक बहुत अच्छी ट्रेल है और वो जाके हम एक्सप्लोर करेंगे. चेक दिस आउट गाइस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट साइकिलिस्ट लेन आई हैव एवर बीन ऑन. वैसे तो मैं साइकिल चलाई नहीं मैंने जब से कैनेडा आया हूँ बट सीरियसली ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई मूवी की लोकेशन हो.
Wow, just look at that. I'm on my bike. There you go. It feels like Brazil. I've never been to Brazil though, but movies में मैंने देखा है. सच सच बताओ तुम अपनी लाइफ में कितने साल बाद साइकिल चला रहे हो? भाई इतना मजा आ रहा है तेरी जब हम इतना मजा आ रहा है तो क्या बताएं? बड़े चिर बाद साइकिल चलाई है. मैं खुद कम से कम नहीं तो 6-7 साल बाद चला रहा हूँ, वो भी इतनी अच्छी लोकेशन पे. सही कह रहा है, ये जो व्यू है ये आंखें नहीं आंखें ही देख सकती है और ये फील हो सकता है, कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता. The view, but this view you cannot get in India, bro. ओ भाई ओ मेरी बात सुनो, ये देखो यार इसके बाहर फोटो खिंचवाते हैं गाइस, ये देखो इसके बाहर फोटो खिंचवाते हैं, ये देखो क्या कह रहा है. शीला लव तारो. भाई इस रेस्टोरेंट में मेरे हिसाब से बस सी फूड मिलेगा. नो सी फूड मैन, नो सी फूड, ओनली मैगी. या मैगी शिकंजी. साइकिल हम सबने यहाँ पे पार्क कर दी और हम पहुँचे हैं ये बीच, और ये है जिस टाउन पे हम रुके हैं उसका पोर्ट इसके पार. बट द थिंग इज मैंने यार वाइट शूज़ पहने बिल्कुल, और मैं इन्हें गंदा नहीं करना चाहता. गाइस लाइफ में ना कुछ मैजिकल चीज़ें एक तरीके से दिखने को मिलती है, तो मेरे लिए मैजिकल चीज़ एक वो है. वो देखो कैसे पहाड़ों के पीछे से लाइट आ रही है. भाई वो चीज देखो यार, क्या देखो? वो देख कैसे लाइट आ रही है पहाड़ों के पीछे. गरीब आदमी ने पहली बार देखी है ना. इंडिया में नहीं देखा ये कभी? नहीं. कौन से इंडिया रहते थे भाई आप? पहाड़ों में नहीं गए कभी इंडिया में? मैंने भी देखा इंडिया में भाई, इतना अच्छा नहीं देखा मैंने. बहुत पहाड़ों पे गया लेकिन मैंने ये हेमकुंड साहिब दिखता है ऐसा भाई दूर दूर, वो भी बहुत दूर दूर. वो तो बहुत ही एपिक सीन दिखता है जब स्नो पे लाइट पड़ रही होती है ऊपर थोड़ी सी. अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हें देख के पीछे बच्चे भी शुरू हो गए. हट जाओ पापे, पापे हट जा. की कहना चाहोगे पाजी तुझे तुम्हारे? पाजी की कहना चाहोगे? पाजी गरकिया बंदा है, जान जून है नहीं ये बेच इतना तक करना नहीं गया. क्या करता है उसकी बॉडी देख. उसकी बॉडी देखो एक बार, एक बार ही रुक जा. तो कम से कम नहीं तो 15 दिन पहले क्रूज बुक करा लेना, जिसकी टिकट होगी जस्ट $20-25, और वो डे में क्रूज वहाँ से जाएगी और उस आइलैंड पे जाएगी जहाँ वो लाइट दिख रही है. तो यहाँ से वो आइलैंड पहुँचने में कम से कम 50 मिनट्स लगेंगे. सो थैंक यू गाइज आज का ब्लॉग देखने के लिए, पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए और बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए. तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल. जावे जो हो बना मैं नहीं दा पता किसे तो.